नवरात्र पर्व पर घूम घूम कर उपद्रव और हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन्हें अनोखे अंदाज में सजा दी। दरअसल भीड़ में दोपहिया वाहन लेकर घूम रहे कुछ लोग न सिर्फ तेज आवाज कर रहे थे बल्कि लोगों के कानों के पास जाकर तेज पुंगी बजा रहे थे। पुलिस ने ऐसे लड़कों को पकड़कर उनके ही कानों में तेज पुंगी बजाई और उनको जमकर सबक सिखाया। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन दुर्गा पंडालों में देवी के दर्शनों के लिए निकले श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे युवकों को गढ़ा संजीवनी नगर और तिलवारा पुलिस ने अनोखे अंदाज में सजा देकर सबक सिखाया। दरअसल नवरात्र पर्व पर सड़कों पर उमड़ी भीड़ के बीच मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकले कुछ युवक दर्शनार्थियों खासतौर पर महिला श्रद्धालुओं के कानों में पुंगी बजाकर उन्हें परेशान कर रहे थे। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर युवकों की ऐसी टोलियों को पकड़ लिया और फिर उन्हीं के कानों में बजाकर उन्हें अनोखे अंदाज में सजा देकर सबक सिखाया। पब्लिक को कैसा लगता है फील कर? जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि इस नवरात्र में अधिक भीड़ होने के कारण जो व्यवस्था है, विशेष तौर पर ट्रैफिक की व्यवस्था और लोगों को जो डाइवर्जन पॉइंट है वो लगाए गए थे, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि हर जगह पुलिस सुचारू रूप से लगी है और उस तरह की कोई अप्रिय स्थिति जाम जैसी निर्मित नहीं हो रही है। सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है और इस नवरात्र में पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक और निर्देशित किया था कि जो असामाजिक और गुंडे तत्व एवं जो शरारती जो लोग बाइक से तेज स्पीड से भागते हैं या जो चौंगा बजाते हुए लोगों को परेशान करते हैं उन पर भी विशेष निगाह रखी जा रही है और जहाँ पर भी इस तरीके के लोग मिलते हैं उनको वहाँ पर रोक टोक के और फिर उसको वापस प्रॉपर समझाइश देकर और उनको चौंगे उनके जब्त कर लिए जाते हैं या तो फिर उनको अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है कि इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे कि किसी अन्य को समस्या हो। पुलिस के इस अभियान से उन युवकों को एहसास हुआ कि उनकी इस हरकत से लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं।